दोस्तों आज मुझे सबसे ज्यादा हमदर्दी कमल छाप नेताओं से हो रही है, साहिब से हो रही है, उन तमाम नेताओं से हो रही है इस पार्टी से जुड़े हुए जो दिन रात मध्य प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़ तक मेहनत कर रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं मध्य प्रदेश में दोबारा सत्ता में आए बने रहने के लिए और छत्तीसगढ़ में सत्ता में आने के लिए छटपटा रहे हैं। ये तरस क्यों आ रहा है मुझे, क्यों हमदर्दी हो रही है वो मैं आपको बता दूं, क्योंकि चुनाव जीतने के लिए इन्होंने एक ऐसे नेता को मैदान में उतार दिया है जो कदम कदम पर, बात बात पर, घड़ी घड़ी इनकी फजीहत करा रहे हैं, ऐसी ऐसी फजीहत करा रहे हैं। उसके बाद एक भी कमल छाप नेता उस इलाके में दोबारा झांक नहीं पा रहा। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द घंटा। हाल ही में आपको याद ही होगा कि 2022 में एक भाषण दिया था हेमंत बिस्व शर्मा, असम के रहने वाले हैं, असम के मुख्यमंत्री हैं। खैर, उन्होंने किस तरीके से एक मामला भी निकलकर सामने आया कि उनकी जो वाइफ है उन्होंने कैसे सरकारी खजाने से अपनी पत्नी पर 10 करोड़ रुपए लुटा दिए, खबर निकलकर सामने आई थी, आरोप निकलकर सामने आया, उनकी कई तस्वीरें भी निकलकर सामने आई थी, कैसे उनको लाभार्थी बता दिया गया और 10 करोड़ रुपए अपने खजाने से नहीं सरकारी खजाने से लुटा दिए गए, असम के सरकारी खजाने से लीजिए क्योंकि आप मुख्यमंत्री की पत्नी है। इस मामले को लेकर असम के मुख्यमंत्री अभी घिरे थे हेमंत बिस्व शर्मा। खैर, इस बारे में बात नहीं होगी, ना गोदी एंकर बोलेंगे ना गोदी मीडिया बोलेगी, सरकार तो वैसे ही चुप्पी साध कर बैठी है। इन दिनों उनकी एक दिक्कत बड़ी चल रही है हेमंत बाबू की। हेमंत बाबू इन दिनों गांधी परिवार के बहुत बड़े एक्सपर्ट हो गए, जहां जुबान खोलते हैं वो केवल गांधी परिवार को कोसते हुए नजर आते। वो ये नहीं बता पा रहे कि उनकी सरकार ने, चाहे वो असम की हो चाहे वो केंद्र की हो, कितना उन्होंने बेहतर करने का काम किया है। कर्नाटक का चुनाव उदाहरण देख चुके हैं, उन्होंने वहां पर अपनी ही पार्टी के हिंदू मुस्लिम वाले एजेंडे को चलाया, उन्होंने वहां पर सीधे तौर पर असम में किस तरह से एक विशेष समुदाय के खिलाफ सरकारी आदेश पर, उनके आदेश पर कार्रवाई हो रही है वो बताते फिरे। उन्होंने लगातार समझाने की कोशिश कर्नाटक की जनता को की कि भाई समझ लीजिए साहिब कितना बड़ा एहसान इस देश पर कर रहे हैं कि दिन रात मेहनत करते और विकास किया जा रहा है। कर्नाटक की जनता ने कहा कि निकल लो और तेज रफ्तार से निकल लो, तो सारे के सारे जो कमल छाप नेता वहां पर चीख चीख कर माहौल बना रहे थे, कर्नाटक की जनता ने इसी साल सबको खदेड़ दिया था। अब बारी आई है, अभी हाल ही में आपको एक और घटना इनसे जुड़ी हुई बता दें कि 2022 में उत्तराखंड में इन्होंने एक बयान दिया था गांधी परिवार पर, उस बयान को लेकर इनकी खिंचाई हो गई है और 21 सितंबर को तारीख है, इनको जाना पड़ेगा वरना बड़ी कार्रवाई भी हो सकती है, अदालत ने इन्हें खींच लिया है। वो बयान हम बाद में आपको सुनवा भी चुके हैं पहले भी और आगे जाकर सुनवाएंगे आपको, फिलहाल ताजा बयान हम आपको सुनवा दें। इन दिनों ही मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में लगाए गए, इन्हें धर्म विशेषज्ञ के तौर पर मत लीजिएगा, ये दरअसल हो चुके हैं गांधी परिवार के एक्सपर्ट, जिसके बारे में ना खुद सोनिया गांधी जानती होंगी, ना प्रियंका गांधी जानती होंगी, ना राहुल गांधी जानते होंगे। कोई गांधी परिवार का सदस्य अपने बारे में इतना नहीं जानता होगा जितना ये जानते हैं। ये डिटर्जेंट पाउडर से धुले हुए वो लोग हैं जिन्हें भारतीय जनता पार्टी ने अपने पाउडर में धोने के बाद ईडी से, सीबीआई से, इनकम टैक्स से बचा रखा है। तो उन्हीं में से एक है हेमंत बिस्व शर्मा। पहले ताजा बयान इनका सुनिएगा, उसके बाद मुझे तरस क्यों आ रहा है इन पर नहीं, बाकी कमल छाप नेताओं पर क्यों तरस आ रहा है, पहले इनका बयान सुनिए। आज आपका राहुल गांधी बोल रहा है कि तेलंगाना में हमारा सरकार बनेगा तो प्रति महिलाओं का अकाउंट में हम 2,500 रुपया भेजेगा। अरे कांग्रेस, अगर आप तेलंगाना में 2,500 रुपया दे सकता है तो छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं दे सकता है, उसका जवाब दो हमें। क्या तेलंगाना का स्टेट ए प्लस है और छत्तीसगढ़ क्या बी प्लस है? अगर आप बोल सकता है कि तेलंगाना में हमारा सरकार बनने से हम 2,500 रुपया दूंगा, आज तो आपका छत्तीसगढ़ का सरकार है, आज आप क्यों नहीं देता है 2,500 रुपया हमारा माँ और बहनों का अकाउंट में? भाइयों और बहनों, मैंने देखा, मैं जब हेलीकॉप्टर से आ रहा था छत्तीसगढ़ का रास्ता भी देखा मैंने ऊपर से, छत्तीसगढ़ का जो रास्ता का कंडीशन है उस व्यवस्था में हर स्कूटर मोटरसाइकिल वाला को 1 लीटर जगह का, 1 लीटर डीजल का जगह में 2 लीटर डीजल भरवाना पड़ता है और उसका टैक्स भी भूपेश बघेल जी ले लेता है। हमारे ये छत्तीसगढ़ को अगर आपने
एक नया दुनिया में लेके जाना चाहते हैं, एक विकसित प्रदेश बनाना चाहते हैं, तो ये समाज के लिए सच्चा दिल से काम करने के लिए सीखो। हेमंत बाबू, वाकई मुझे तरस आता है, उन पर भी आता है और अब आपके ज्ञान पर भी आता है। ज्ञान पर इसलिए आता है क्योंकि अभी आपने कहा कि तेलंगाना में जाकर महिलाओं के लिए गारंटी देने की बात की है कांग्रेस पार्टी की तरफ। पहली बात तो आप किस तरह से बौखलाए हुए हैं, आपकी पार्टी किस कदर बौखलाई हुई है वो समझा जा सकता है कि दो दिन पहले जब वहां पर सोनिया गांधी पहुंची थी तो 1,000, 2,000, 1,00,000 नहीं 15 लाख से ज्यादा लोग एक साथ एक मैदान में इकट्ठा हो गए थे। वो तस्वीर देखकर साहेब की भी आंखें बहुत चक्की रह गई थी, ये भी हैरान रह गए थे। एक से बड़ा धुरंधर जो कमल छाप नेताओं में अपने आप को स्वयंभू चाणक्य समझता है वो भी हैरान रह गया था। तो आपका दर्द समझ सकता हूं, आप किस परेशानी में समझ सकता हूं, क्या आपको टारगेट दिया है समझ सकता हूं, ये पूरी की पूरी चीजें मैं आसानी से समझ सकता हूं हेमंत बाबू। लेकिन कम से कम इस बौखलाहट में, इस तेजी में कुछ ऐसा बयान मत दीजिए कि कल साहिब से ही सवाल पूछ लिया जाए, ये अपने मुख्यमंत्री को समझाते क्यों नहीं है। दरअसल इन्होंने कहा कि तेलंगाना में कांग्रेस गारंटी दे रही है। हेमंत बिस्व शर्मा ने अपने ही पेज से अपने ही इस ज्ञान को उड़ेला है। उन्होंने अपने पेज से चलाया, ट्विटर हैंडल पर इसे पोस्ट किया और लिखा कि तेलंगाना में कांग्रेस गारंटी दे रही है कि महिलाओं को 2500 प्रतिमा दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ तो पड़ोसी राज्य है, या कांग्रेस वालों ने यह गारंटी लागू क्यों नहीं की? ये छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में जाकर हेमंत बाबू ने ज्ञान का प्रसाद बांटा है। एक बार फिर से सुन लीजिए, फिर हम आपको इसका पूरा विश्लेषण कर देते हैं। आज आपका राहुल गांधी बोल रहा है कि तेलंगाना में हमारा सरकार बनेगा तो प्रति महिलाओं का अकाउंट में हम 2,500 रुपया भेजेगा। अरे कांग्रेस, अगर आप तेलंगाना में 2,500 रुपया दे सकता है तो छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं दे सकता है? उसका जवाब तो हमें, क्या तेलंगाना का स्टेट ए प्लस है और छत्तीसगढ़ क्या बी प्लस है? अगर आप बोल सकता है कि तेलंगाना में हमारा सरकार बनने से हम 2,500 रुपया दूंगा, आज तो आपका छत्तीसगढ़ का सरकार है, आज आप क्यों नहीं देता है 2,500 रुपया हमारा माँ और बहनों का अकाउंट में? भाइयों और बहनों, मैंने देखा, मैं जब हेलीकॉप्टर से आ रहा था छत्तीसगढ़ का रास्ता भी देखा मैंने ऊपर से, छत्तीसगढ़ का जो रास्ता का कंडीशन है उस व्यवस्था में हर स्कूटर मोटरसाइकिल वाला को 1 लीटर जगह का 1 लीटर डीजल का जगह में 2 लीटर डीजल भरवाना पड़ता है और उसका टैक्स भी भूपेश बघेल जी ले लेता है। हमारे ये छत्तीसगढ़ को अगर आपने एक नया दुनिया में लेके जाना चाहते हैं, एक विकसित प्रदेश बनाना चाहते हैं, तो ये समाज के लिए सच्चा दिल से काम करने के लिए सीखो। देखिए, इन्होंने अभी कहा कि तेलंगाना में कांग्रेस गारंटी दे रही है। पहले तो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, आपको मालूम ही होगा तेलंगाना भी है, उसमें छत्तीसगढ़ भी है, मध्य प्रदेश भी है, और इस तरीके से 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। यानी कांग्रेस की आप साफ गोई देखिए, मैं उनका पक्ष नहीं ले रहा हूं लेकिन साफ गोई देखिए। उन्होंने तेलंगाना में जाकर वादा किया, चाहते तो वो छत्तीसगढ़ में भी कर सकते थे, ये बात तो ये उठा रहे हैं। लेकिन एक सवाल, एक मासूम सा सवाल, आपने कहा कि तेलंगाना में की महिलाओं से वो वादा कर रहे हैं लेकिन छत्तीसगढ़ की महिलाओं से वादा नहीं कर रहे हैं। आपको दर्द किस बात का? तेलंगाना की महिलाओं को वो वादे के आधार पर लाभ मिल जाएगा इसका कि छत्तीसगढ़ की महिलाओं को नहीं मिल रहा इसका, ये बताइएगा, या फिर आपको सत्ता नहीं मिल पा रही इसका? क्योंकि अगर यही बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में बीफ बैन है, सत्ता से आशीर्वाद प्राप्त गुंडे और मवाली सड़क पर घूम घूम कर तमाशे करते हैं, कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ा देते हैं। हरियाणा में आपकी सरकार है, वहां पर तो मोनू मानेसर और बिट्टू बजरंगी जैसे लोग घूमते हैं। सरकार से आशीर्वाद, सत्ता से आशीर्वाद लोग हैं ये। लेकिन गोवा में भी तो आपकी सरकार थी, है ना, वहां तो बीफ बांटा जाता है। क्यों? दोगलापन आपका है उनका? आप तो धर्म के साथ खेलते हो, जिसके नाम पर राजनीति करते हो उसके नाम पर खेलते हो। वो तो साफ गोई है कि चुनाव के दौरान छत्तीसगढ़ में चाहे तो वो बोल सकते थे, तेलंगाना के लिए बोलेंगे तो भाई अगर झूठा ही वादा करना है, जैसे साहिब जुमला फेंकते हैं 15 लाख देंगे, तो वो तेलंगाना में जुमला अगर फेंक रहे थे तो छत्तीसगढ़ में फेंक देते। साफ गोई तो है, आपकी तरह नहीं है दोगले कि जैसे ही उत्तर भारत में आते हैं तो पता लगता है कि गाय के नाम पर, गुड़ के
गुड़ गोबर करना करेंगे तो बड़ा वोट मिल जाएंगे। गोबर गाय यही चीखते हैं और गोवा में जाते बीफ का लुत्फ उठाते हैं कमल छाप नेता। ऐसा नहीं है कि सनातनों की सरकार कहने के छाती ठोकते हैं, बताते हैं, भीड़ तपतपाते हैं, लेकिन किरण रिजिजू जैसे लोग डंके की चोट पर कहते हैं कि हम बीफ खाते हैं, आप की तरह दोगले नहीं है। किसी पर आरोप लगाने से पहले सोचा करिए, हंसी आती है, तरस भी आता आप लोगों के ज्ञान पर। इतिहास पता नहीं कौन सी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ है, नागपुर से आता है या साहिब के घर से आता है, यह समझ नहीं आता। कांग्रेस की एक एक तस्वीर को देखकर आप तब से ये बौखलाए हुए हैं दोस्तों, जब से भारत जोड़ो यात्रा निकली। पहले हिमाचल प्रदेश हारे, फिर कर्नाटक हार गए, उत्तर प्रदेश में बुरे हालात हैं, छत्तीसगढ़ पहले ही हाथ से निकल चुका है, मध्य प्रदेश हार चुके थे तिगड़म करके और कांग्रेस पार्टी में फूट डाल के बगावत करा के गद्दारी करवा के तो चुनाव जीते, तेलंगाना जीत ना जाए, ये डरे और घबराए हुए लोग हैं। इसलिए झूठ फैलाना, ऐसी ऐसी बातें करना, ये इनका पेशा बन चुका है। कम से कम हेमंत बाबू थोड़ी तो नैतिकता रखिए। नमस्कार।